नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। जी चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबूजी के, चलिए जान लेंगे रजिंदर शर्मा बाबूजी के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं। और दोस्तों काफ़ी अफवाहें फैल रही, कोई भी किसी बात पे मत ध्यान देना, अपना हौसले से माल धीरे करके बेचते चलो, क्योंकि रेट बहुत अच्छे हैं जी, बढ़िया रेट चल रहे जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चली। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी। राम राम बाबू जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी आई जी, कल से कम है ज़्यादा है, बिक्री कैसी चली जी। देखो जी, गाड़ियाँ कल से काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, कल 35 थी और आज 60 है। 35 थी आज सीधा 60 हुई जी। हाँ अच्छा जी, हालांकि दो दिन से बाजार गिर रहा है। हाँ जी, फिर भी आमदन बढ़िया, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। अच्छा जी, बाजार अगर रेट गिरने लगता है हाँ जी तो प्याज रुक जाता है। अच्छा जी, आज ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, और हम सोच रहे थे कि उतनी आएंगी 35-40। हाँ जी, पर आज 60 गाड़ी आई है। ठीक है जी, और ज्यादा गाड़ी आई है एमपी की, आधी 30 गाड़ी मानो एमपी से है। हाँ जी, एमपी वालों ने कल भी और परसों भी दो दिन प्याज अच्छा निकाला जी मंडियों में। अच्छा निकाला और बाजार गिराया बुरी तरह। अच्छा जी, जिसका असर मंडियों में है। ठीक है जी, तो इसलिए जो 60 गाड़ी आज आई है और 55 बैलेंस है, 115 गाड़ी आज मंडी में है। ठीक है जी, कल बिकी थी यहाँ पर 35 गाड़ी। कल जो दोपहर 12 बजे से लेकर और शाम के समझ लो 7-8 बजे तक बरसात चलती रही, इसका भी असर हुआ है जी। बिल्कुल हुआ जी, बरसात का तो असर प्याज पे होता ही है, तो इसीलिए 35 गाड़ी कल बिकी है। देखो जी, परसों भी बाजार गिराया रुपए दो रुपए, कल भी गिराया रुपए दो रुपए, और आज भी रुपया 8 आना गिरा हुआ है। ठीक है जी, फिर भी ग्राहक बहुत कम है, तो इन हालात में ये लगता है कि बाजार जहाँ पर है हाँ जी, जो ये उठा है ये रुकने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है, ग्राहक ही नहीं है। और राणा जी, सबसे बड़ी बात आज एक है कि नेफेड और एनसीसीएफ गवर्नमेंट ने आज मंत्री जी झंडी दिखाएंगे, और देश में विभिन्न जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर 35 रुपये किलो रिटेल में प्याज बेचने शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, ये व्यवस्थाएं बनाते सरकार को थोड़ी देर लगती है, और पॉइंट सेट करने में हर काम में, तो इसका असर एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है जी, अगर 35 किलो सरकार रिटेल में प्याज बेचेगी, 35 रुपये तो आप ये समझो कि आपको अपना प्याज बेचने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी, 35 रुपये से अगर रिटेलर 35 रुपये प्याज बेचेगा तो हमसे 20 रुपये मांगेगा। ठीक है जी, खर्चा है और मुनाफा है, तो 20 रुपये का ले जाके 25 मांग लेगा। चलो ठीक है जी, तो बाजार तो नीचे की तरफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये, साउथ वाले भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितनी महाराष्ट्र वाले शोर मचा रहे हैं ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मेरी बात हुई है 3-4 आदमियों से। ठीक है जी, कह रहे 10 तारीख के बाद हमारा प्याज सब जगह जाने लग पड़ेगा। ठीक है, ये 10 सितंबर आएगी। हाँ, ये अभी आज 5 तो हो ही गई, 5-4 दिन ही बचे हैं। ठीक है जी, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये देखो ये तेजी आसमानी तूफानी है, बरसात बेंगलोर तेलंगाना और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बरसात हुई और हो रही है। ठीक है जी, उस कारण से लोगों ने ये सोच के कि प्याज खराब हो गया या लेट हो जाएगा नया, उन्होंने बाजार तेज कर दिया। ठीक है जी, परंतु पुराना प्याज अभी भी पड़ा है। मैं इस विषय पे नहीं जाता, कई फ़ोन मुझे आते हैं प्याज है ही नहीं। अरे है नहीं तो एक अकेली मंडी हमारी में 60 गाड़ी और दिल्ली में 120-130 गाड़ी रोज कहाँ से आ रही है? प्याज है नहीं तो क्यों आ रही है? हर छोटी मंडी में प्याज इतना आ रहा है, मंडी भरी पड़ी है नीचे उतरने से। 60 गाड़ी जब हमारे पास ही नीचे उतर रही है रोज और कम नहीं हो रही,
तो प्याज है तभी ना। परसों बाजार गिरा, कल बाजार गिरा, फिर भी आज परसों और कल से दुगनी आमदन हो गई। ठीक है जी। और प्याज राणा जी ज्यादातर ज्यादातर रंग बदल गए हैं, दागी आ रहे हैं। अब जिनके बढ़िया हैं ये उन्हें पता होगा। ठीक है जी। राणा जी ये जो आप खींचते फोटो तो ढेरी हैं, काले निकाले हुए, हल्के निकाले हुए हैं, ये तो छाप छाप है जी सारी। ये छाप है सारी। ठीक है जी। और कट्टा पलट के वीडियो बनवाऊं तो आप देखोगे कि इनके रंग काले पड़ गए, इसीलिए ज्यादा बच भी रहा। तो मुझे तो कोई ऐसे हालात लगते नहीं कि तेजी आएगी। ठीक है। अभी भी ये बीच में जो एक दो दिन चढ़ते उतरते हैं ये आसमानी तूफानी है, प्राकृतिक आपदा के कारण है। ठीक है। और जैसे बढ़ता है वैसे बिक्री कम हो जाती है। हमारी 50-55 गाड़ी बिक रही थी, अब 35 बिक रही है। जो गरीब आदमी है वो दूध लेगा ना 60-70 रुपए किलो में, वो प्याज क्यों खाएगा 60-70 रुपए का। ठीक है जी। मतलब प्याज की खपत कम हो जाती है, जो एक किलो लेता है वो आधा किलो लेता है। ठीक है जी। जो 5 किलो लेके जाते हो कहते 2.5 किलो दे दे भाई। मार्केट में तो बाजार में सब लोग 60-70 रुपए किलो बिक रहा जी है। वो तो है ही ना जी। जब हम यहाँ 40 रुपए से 45 रुपए बेच रहे हैं, चलो 40 का भी ले जाएगा, हाँ जी, तो 60-65 नहीं बेचे तो पैसे भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि दागी भी निकल रहा है, काला भी निकल रहा है, छटाई भी करनी पड़ती है छोटे मोटे की। ठीक है जी। तो सब चीजें हैं, उसने भी रुपए लगाए हैं वो भी कुछ कमाएगा। ठीक है जी। तो ये तो इस भाव बिकेगा ही, लेकिन 35 रुपए आज बिकना शुरू होगा जहां जहां गाड़ी लगेगी। हाँ जी। उस मंडी में प्याज हमारा जो जा रहा है ये नहीं बिकेगा। हमारा आदमी 60 बेचेगा, चलो 50 बेच लेगा, पर यहाँ तो 35 रुपए में मिल रहा है जितना चाहिए। ठीक है जी। तो फर्क आएगा। तो कितने दिन में शुरू होएगा जी सरकार का भी? आज हो गया। अच्छा जी। आज मंत्री जी वो दिखा रहे हैं। वैसे तो इन्होंने शुरू पहले से एक दो दिन से एक दो गाड़ी बेचनी शुरू कर दी, 5-10। अच्छा जी। आज से बढ़ेंगी पूरे देश में। अच्छा जी। और लगेंगी जहाँ जहाँ भी पॉलिसी सरकार बनाएगी। ठीक है जी। और जहाँ जहाँ जैसे भी हल्द्वानी वाले का फोन था, कह रहा हमारे 35 रुपए किलो प्याज बेचना शुरू हो गया, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े वो लगे हुए हैं। तो जब हल्द्वानी जैसे शहर में बिक रहा है तो बहुत शहरों में बिकेगा। ऐसे तो 700 शहर हैं। आपकी बार ये मंडियों में नहीं बेचते जैसे हर साल मंडियों में बेचते थे? देखो जी, पॉलिसी अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहे, पर मंडियों में बेचेंगे। आज नहीं बेचेंगे, महीना 15 दिन बाद बेचेंगे। ठीक है जी। अभी तक वो पॉलिसी इन्होंने उजागर नहीं की है। क्यों? सबसे पहले अखबार में देंगे ना वो, कि जिस जिसको लेना है टेंडर आ जाओ। ठीक है जी। तो अखबार में आया नहीं है, अभी उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। ठीक है जी। तो बेचेंगे तो है, उसके बिना प्याज भी इनसे बिकेगा ही नहीं पूरा। लेकिन अब कितना लेट बेचते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अभी इसलिए नहीं बेच रहे ज़्यादा कि इन्हें लग रहा है अक्टूबर में और तेज ना हो जाए। अच्छा जी। तो कई कारण हो सकते हैं, उनकी फाइलों में है अफसरों की। लेकिन मेरी तो एक ही बात है भाई, तेज हो मंदा हो बेचे जाओ। ठीक है जी। हम तो हर वीडियो में बोलते हैं, हाँ। कल की में भी परसों की में भी बेचने का समय आएगा। तेज हुआ आप खुश मत हो, तेज हुआ। जिन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले फोन किया, बात की, मैं सबको कहा आज ही सारा बेच दे, ये भाव नहीं रहेगा। और देखो वही हुआ, 5-6 रुपए बाजार टूट गया 3 दिन में। ठीक है जी। 6 रुपए का मतलब है 1.5-2 लाख रुपए गाड़ी। यानी जहाँ ये बाजार चढ़े थे दोबारा फिर वहीं आ लिए जी। अभी आ जाएंगे। अच्छा जी। अभी नहीं आए, क्यों? 30-35 का बाजार चल रहा था। हाँ जी। आज बाजार जो है वो आप समझो कि 38 रुपए से लेके और 42-43 रुपए तक है। कहीं का भी हो जी, बस ये है कहीं का भी प्याज। हाँ। बढ़िया प्याज, अच्छे प्याज 38 रुपए किलो ना, बढ़िया नहीं है। हाँ जी। बढ़िया तो 42-43 है। अच्छा जी। अच्छा ठीक है। जो छोटे हैं थोड़ा काला पीला है
वो 38 1500 रुपये बिक रहा है, 37 रुपये मानो आप। ठीक है जी। और जो बढ़िया है मैं 42-43 रुपये तक जी। और राणा जी अब भी बिक्री नहीं है, आप ये समझो कि मेरी अभी कई आड़तियों से बात हुई है, कह रहे भाई साहब ग्राहक नहीं है। ठीक है जी। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने प्याज खाना कम कर दिया, पैसे वाले ने नहीं, जो आम आदमी खाता है। ठीक है जी। प्याज ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में गरीब और अभी मिडिल क्लास खाती है। ठीक है जी। अब ये बाज़ार इतना तेज हो गया है कि हो सकता है उन्होंने थोड़ा खाना कम कर दिया। हमारे यहाँ तो कम बिक रहा है कई दिन से। ठीक है जी। 55 गाड़ी बिकनी चाहिए रोज़ और 35 गाड़ी बिक रही है, 20 गाड़ी, बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है जी। ये हर मंडी में होगा तो ज़्यादा तो नहीं इसमें कोई दिक्कत आएगी जी? फिर भी निकाल तो रहे जी, देखो नहीं, तो सारे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी। लेकिन सरकार के कारण दिक्कत थोड़ी बहुत ज़रूर आएगी। ठीक है जी। 35 रुपये किलो राणा जी आपको प्याज मिलेगा तो आप 60 रुपये क्यों लोगे जी? 2 किलो और 5 किलो देंगे वो तो लोग लेंगे, जिसने लाइन में नहीं लगना वो नहीं से लेगा। वो लाइन में किस पे समय जी, लाइन वाला का तो समझ ले तो बिल्कुल ही घर से बेल लो जी, बंदा कोई घर से फ्री हो जी वो ही जाके लगेगा। लेकिन राणा जी एक बात आप समझ लो कि जो आज बिक रहा है इसमें 10-5 गाड़ी इसी हफ्ते में बिकनी कम हो जाएंगी। और ठीक है जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 40 गाड़ी बिक रही है, अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि 30 से 35 बिक रही है, 5 गाड़ी कम हो चुकी है। ठीक है जी। बस घबराहट की बात ये नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बार कहा था कि 10 सितंबर या 15 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आज 5 सितंबर हो गई। हाँ जी, 5-10 दिन बचे हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो तेज हो सकता है। ठीक है जी। वरना नीचे ही जाएगा, वही 30-35 पे पहुंचेगा जहाँ से उठा था। चलो जी, 30-35 भी चलता रहे से नीचे ना आए। हाँ। रिस्क इतने तक तो रिस्क ले लें, अभी नहीं आएगा। अच्छा जी। क्योंकि गवर्नमेंट के हर काम में टाइम लगता है और इतना बड़ा देश है, पूरा सिस्टम बनाने में कई जगह पर उनको टाइम लगेगा। और लेकिन उन्होंने रिटेल बेचना शुरू कर दिया तो आदमी को खुद समझ होनी चाहिए। ये कुछ लोग अंगड़बाजी करते हैं जी इसमें, जब ये 45-46 रुपये पहुंचा ना, तुरंत ये 50-60-80-100 के सुपने लेने शुरू कर देंगे। देखो जी, हमें कोई उंगल करके बताए, हम लालची नहीं, हमें उंगल नहीं होती, इतना भूले मत बनो आप। एक लिमिट से पहले मैं 10 बार कह चुका कि लालच बुरी बला है, आपको बहुत रुपए मिल रहे हैं। ठीक है जी, इन्हें ले लो, बाकी तो जुआ है। फिर हो सकता है तुम सच्चे निकलो और प्याज तेज हो जाए। ठीक है, प्रभु जी ऐसे ही काम कर दें कि अगली फसल का ही नाश हो जाए, पर हालात ऐसा कोई नहीं है। ठीक है जी। इन हालात में अभी मेरे से एक बात कर रहा था महाराष्ट्र का पूना का। हाँ जी। वो मुझे लेक्चर दे रहा था तो मैंने उसे समझाया, मेरी वीडियो 5 मिनट पहले शुरू हो जाती, नजारा आ जाता। हाँ। उसी ने ही आपका मूड खराब करा जी, उसी ने मूड खराब कर दिया जी। नहीं, मूड खराब नहीं है राणा जी, मुझे ये लग रहा है कि जिनके पास अभी प्याज है। हाँ जी। उन्हें नुकसान होने वाला है, इसलिए तकलीफ है। आप बात समझ रहे हो ना? आप और मैं 3.5 महीने से कह रहे हैं भाई बेच लो, 10 सितंबर से पहले तक बेच लो। ठीक है जी। आज सरकार बेच रही है, सरकार और भगवान से कोई नहीं बच सकता। ठीक है जी। सरकार बेचेगी तो फर्क लगाएगी, और कितना डिफरेंस है, हम 35 रुपये होलसेल में बेच रहे हैं, वो 35 रिटेल में बेच रहे हैं, और जो हम 35 बेच रहे हैं 7% उसके ऊपर कमीशन भी है। ठीक है जी। वो 35 का नहीं है, 7×21=35, वो 38 का है, हम 38 होलसेल में बेचेंगे, वो 35 रिटेल में बेचेंगे। आपको ये समझ नहीं आ रही कि जितना बिकेगा उतना हमारा ही तो बिकना कम होगा। ठीक है जी। फिर मुझे
कोई गुस्सा या परेशान नहीं है, मेरे थोड़ा चेहरा इसलिए ऐसे है कि इतना समझाने के बाद भी अगर लोगों के पास अभी प्याज पड़ा है। आज मेरा सुबह ही मूड ऑफ हो गया जब मैंने 35 गाड़ी की जगह 60 गाड़ी की अराइवल देखी। मुझे लगा ना कि लोगों पे बहुत प्याज है, 35 की 40 आ जाती तब भी कोई बात नहीं थी, गिरते बाजार में डबल प्याज आई है। इसका मतलब प्याज लोगों के पास है अभी। मैं तो बोलता राणा जी, सूख तो रही है, खराब तो हो रही है, जिसने रकम ब्याज पे ली है ब्याज तो लग रहा है, ये घाटे नहीं है? घाटे हैं जी, बाकी जिसका सौदा है वो जाने। जैसे चेले को कोई तकलीफ होती है तो गुरु को तकलीफ आती है ना, तो जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनका गुरु हूँ, मुझे ये दिक्कत है कि बात नहीं मानने से अब उन्हें वो मुनाफा नहीं मिलेगा जो आज से 2 महीने 1.5 महीना 2.5 महीने पहले इसी भाव में लोगों ने बेच दिया। नेफड़ के बिकने का बड़ा क्लियर संकेत है कि बाजार, सच कहूँगा आपको खुश करूँ तो ये कहूँगा कि बाजार रुकेगा, बढ़ेगा नहीं, और सच कहूँगा तो ये कहूँगा बाजार गिरेगा। ठीक है जी, बुरा लगे किसी को लग जाए। आज तो मेरा भी गला सूख गया जी। 5 लाख मीट्रिक टन प्याज है अब सरकार ने बेचना आज से शुरू किया है, हालांकि रिटेल में किया है, अभी तो थोक में मंडियों में देंगे, उस दिन आपको बता दूंगा 10 रुपये गिर गया 2-4 दिन बाद। ठीक है जी, तो सरकार के जो आदमी है, जैसे हम पिछले साल बेचते थे मंडी में तो कहते थे भाई हमने बाजार गिराना है, जो बाजार मंडी में बिक रहा है उससे कम रेट में बेचो। क्या कि हमने बाजार गिराने के लिए लाए प्याज, बाजार भाव मत बेचो, कम रेट में बेचो। तो आप बताओ, बहुत बार समझाया कि सरकार 15 सितंबर के अंदाज में बेचना शुरू करती है, पर ये जो तेजी आई तो 10 दिन पहले ऑर्डर ले लिया। अगर ये अभी 47-48 ना बिकता तो अभी सरकार नहीं बेचती। ठीक है जी, अब सरकार ने आज से बेचना शुरू किया है तो लगातार बेचेगी, लगातार निकालेगी प्याज। चलो नहीं गिरेगा, चलो अगर ये भी रह जाए, हाँ जी, तो जिन्होंने 15 दिन पहले, महीना डेढ़ 2 महीने पहले बेचा है तो उन्होंने तो मुनाफा ज़्यादा कमाया। ठीक है जी, और अभी भी जिनके पास पड़ा है भगवान करे अच्छा रहे। तो देश में देखो जी, कल परसों 3 रुपये किलो MP महाराष्ट्र में टूटा, हाँ जी हाँ जी, कल 3 रुपये टूटा है, 6 रुपये 2 दिन में टूटा है, आज अभी 10-11 बजे के बाद पता लग जाएगा क्या हुआ। ठीक है जी, माल आज भी ज़्यादा है। हाँ बस MP में ही अराइवल बढ़ी जी, मैं तेरे को अजब और गजब बोलता हूँ जी, लगातार सारा सीजन हो गया यही बोल रहा है कि इनका कोई अंदाजा नहीं है कि इनके पास माल कितना है। इतने तो महाकाल की नगरी के, इनको आप ही पता होगा जी कितना इनके पास माल है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका 3 सालों इतमाशा देखा था जी मैंने तो MP वालों का, जब इनकी चाल शुरू हुई थी जी, इन्होंने सारी मार्केट को ही ला के रख दिया था जी। तो इसीलिए आज भी आधा माल 30 गाड़ी MP की है, 30 गाड़ी इसमें MP से, 10 गाड़ी राजस्थान की है। ठीक है जी, 10 गाड़ी इसकी ऊना की है और बाकी नासिक। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, करो जी कुछ समाधान अभी तो। समाधान तो कुदरत करेगी और ये करेंगे, अब सरकार जो है वो तो बेचेगी, बेचने से रुकेगी नहीं। ठीक है जी, अब हो सकता है कि सरकार आज 2 दिन में 4 दिन में होलसेल में भी बेचना शुरू करे। ठीक है जी, अभी तो कम से कम जब तक होलसेल में नहीं बेचती है तब तक बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, पर जिस दिन होलसेल में 100-200 गाड़ी निकलने लगी उस दिन तो फर्क आएगा। तो हम लोग भी, सरकार ने भी गाड़ियों के काम कर लिए जी फिर। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर बाबू जी? देखो, राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरे फ़ोन नंबर है 25 और 26, मोबाइल नंबर है 98-102-61-648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।